भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया। मैच में 282 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 40.1 ओवर में 245 रन पर आउट हो गई। इससे पहले भारत ने 42 ओवर में 4 विकेट खोकर 281 रन बनाए थे, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 171 रन बनाए। वे प्लेयर ऑफ द मैच बनी। बारिश से प्रभावित ये मैच 42 से 42 ओवर का था। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम का मुकाबला 23 जुलाई रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड की टीम से होगा। इंग्लैंड की टीम ने पहले सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में इंग्लैंड को 35 रन से हराया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप की 44 साल की हिस्ट्री में ये दूसरा मौका है जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2005 में साउथ अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप में भारतीय महिलाएं फाइनल तक पहुंची थीं, हालांकि फाइनल में वे ऑस्ट्रेलिया से हार गई थीं।